नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार और पल पल की अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ में इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह खबर है, जहां पर साफ किया है चुनाव आयोग ने, अहम जानकारी दी है चुनाव आयोग ने। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जेडीयू ने अभी तक 2 सीटें जीती हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा बात जो है वो सामने रखी है, 42 सीटों से जेडीयू आगे चल रही है और 129 सीटों पर एनडीए। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग ने ये बात सामने रखी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती लगातार जारी है, हालांकि शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद एक बार फिर से एनडीए ने बढ़त बना ली है। फिलहाल 102 सीटों पर आरजेडी प्लस और 103 सीटों पर नीतीश कुमार प्लस आगे चल रहे हैं। कौन सत्ता पर काबिज होगा, अभी तक जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो चुकी है, लेकिन इसी बीच में चुनाव आयोग ने अपना बयान दिया है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है और जानकारी में उन्होंने कहा है कि जेडीयू ने अभी तक 2 सीटें जीती है। तो रुझान के बाद अब यह बयान आया, 42 सीटों से जेडीयू आगे चल रही है, 129 सीटों पर एनडीए। चुनाव आयोग ने तमाम ये बातें कही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में अगर वाम दल की बात करें तो अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और उनके उम्मीदवार 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल 3 प्रमुख वाम दल भाकपा और माकपा ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ा। भाकपा ने 19 और आपको बता दें माकपा ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। और यह बड़ी खबर बिहार विधानसभा को लेकर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए कहा है कि जेडीयू ने अभी तक 2 सीटें जीती है और 42 सीटों से जेडीयू आगे चल रही है। तो रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त की जानकारी मिल पा रही है और कई जगह पर जश्न की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। हालांकि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतगणना जो है वो लगातार जारी है। चुनाव आयोग के रुझान के अनुसार बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं और तमाम ये बातें चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए कही है। चुनाव आयोग का यह भी कहना था कुछ देर पहले कि अब तक 1 करोड़ वोटों की गिनती हो चुकी है और अब जो जानकारी है कि जेडीयू ने अभी तक 2 सीटें जीती है। दरभंगा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर फाइनल नतीजे भी आ चुके हैं और इनमें 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर जदयू की जीत हुई है। हालांकि चुनाव आयोग के मुताबिक जदयू ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 42 सीटों से आगे चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, प्रशांत जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी एएनबी न्यूज में। बहुत बहुत नमस्कार, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। प्रशांत जी, क्या लगता है लोक लुभावन जो नीतियां हैं वो जनता को लुभाने में कितनी कामयाब होती हुई नजर आ रही है, या फिर लुभाने के जो दिन है वो लदे हुए नजर आ रहे हैं? तेजस्वी के वादों पर क्या जंगल राज की यादें भी ताजा हुई है, जिस तरह का जनादेश अब तक सामने आया? देखिए, जहां तक मेरा विचार है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जनता बहुत समझदार है और जनता ये समझती है कि देश को आगे ले जाने में खास करके जो मोदी जी का जो करिश्मा रहा है उसका बहुत बड़ा रोल केंद्रीय राजनीति के साथ साथ जो राज्यों की और प्रदेशों की राजनीति है उस पर भी बहुत ज्यादा असर डालता रहा है। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें और जो बीजेपी के पक्ष में रुझान आते दिख रहे हैं उनको देखते हुए भी मेरा नजरिया ये कहता है इस चुनाव में भी मोदी जी का जो व्यक्तित्व है उसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिली है। आपको क्या लगता है केंद्रीय जो योजना है उसका असर इन चुनाव परिणाम या फिर रुझानों में नजर आ रहा है, या फिर डबल इंजन सरकार में ये कह सकते हैं कि नीतीश पर मोदी भारी पड़े? कोई शक नहीं है
नीतीश जी पर मोदी जी भारी पड़े हैं और मोदी जी का व्यक्तित्व भारी अगर देखें पिछले 2014 के बाद से और 2014 के भी कुछ समय पहले से, मोदी जी का जो व्यक्तित्व और मोदी जी का जो एक करेक्टरिस्टिक, राजनीतिक करेक्टरिस्टिक्स और देश के प्रति जो उनकी सोच है उसको जनता ने बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया है और जनता उनकी बातों में विश्वास रख रही है। नीतीश जी का एंटी इनकम्बेंसी भी रहा और इससे पहले चुनाव जो उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था उसके बाद उन्होंने जो अपना वो साथ छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया उसका भी असर शायद जेडीयू को देखने को मिला है। जेडीयू को कम सीट मिली हैं लेकिन तब भी कुल मिलाकर के ऐसा नजर आ रहा है, हालांकि अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पड़ला बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। जी अगर हम कुशवाहा की बात करें, कुशवाहा का कमाई पढ़ाई दवाई और कार्रवाई का नारा था और चिराग का नारा था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या लगता है ये जो नारे हैं वो लोगों को लुभा क्यों नहीं पाए? आखिर बिहार और बिहारी क्या चाहते हैं? देखिए जहां तक प्रशांत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी हाल फिलहाल में जानकारी दी कि जदयू ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 42 सीटों से आगे चल रही है। 129 सीटों पर एनडीए, 103 सीटों पर महागठबंधन, 2 सीटों पर बसपा, 4 सीटों पर AIMIM, 2 सीटों पर लोजपा और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। ये जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। दरभंगा क्षेत्र की विधानसभा जो है 4, उसके फाइनल नतीजे भी सामने आ चुके हैं। पूरी सीरीज चेंज नहीं हो सकती है। तो बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतगणना जो है वो लगातार जारी है। चुनाव आयोग के रुझान के अनुसार राज्य में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, जश्न का माहौल आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने 76, राजद ने 70, जदयू ने 41, कांग्रेस ने 19, लोजपा ने 1 और अन्य ने 36 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो बिहार में एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत मिल सकता है और इसी के चलते जश्न की जो तैयारी है वो भी शुरू हो गई है। तरह से जश्न में डूबे हुए हैं कार्यकर्ता। तो बिहार विधानसभा चुनाव की हमने पल-पल की आपको जानकारी दी, अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव का। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर मतगणना जो है वो लगातार जारी है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी बढ़त बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 सीट से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे हो चुकी है, अब 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो आपको बता दें हालांकि कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, लेकिन 7 सीटों पर जो मतगणना जारी है उसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है और अब भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से पीछे नजर आ रही है, क्योंकि यह आंकड़ा कुछ देर पहले तक 6 का था, अब 5 सीटों का आ चुका है। तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस
उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 7 सीटों में से एक भी सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि समाजवादी पार्टी 2 पर बढ़त बना रही है और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। तो इस तरह से अगर उपचुनावों की बात करें तो बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि उपचुनाव के अंतिम नतीजे जो है उसकी घोषणा जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है, वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है। इसी के दौरान भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के शहर कार्यालय पर उमड़े हैं और नारेबाजी के साथ ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए भी दिखाई दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर नजर आ रही है। और इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, सुजाता जी। बहुत बहुत स्वागत है सुजाता जी आपका एनबी न्यूज में। प्रशांत जी आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले आपसे वही सवाल कर लेते हैं जो बीच में छोड़ दिया था। चिराग का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नारा था, कुशवाहा का कमाई दवाई पढ़ाई और कार्रवाई का नारा था, क्या लगता है आखिर ऐसी बड़ी वजह क्या रही जो इनके जो नारे हैं वो कहीं पर भी काम नहीं है और तीसरा मोर्चा जो है वो भी ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जहां तक पासवान जी के बारे की बात है तो केंद्र में पासवान जी लगातार मंत्री रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उन्होंने बिहार की जनता के लिए या बिहार के लिए शायद उतने ठोस कार्य उनके द्वारा पूरे नहीं किए गए या वो वादे जो इससे पहले चुनाव में हुए होंगे वो पूरे नहीं किए गए, जिसके कारण से जनता ने इस चुनाव में उनको लगभग नकार सा दिया। दूसरे अगर आप देखें तो जो चिराग जी का जो एक स्टेटमेंट रहे हैं चुनाव से पहले कि वो नीतीश जी के साथ तो नहीं है लेकिन मोदी जी के हनुमान है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जनता समझती है, यू हैव टू बी चाहे आप किसके साथ हैं। ठीक है सुजाता जी, जिस तरह से प्रशांत जी ने अपनी बातें रखी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि जो साइलेंट वोटर है, जो साइलेंट वोटर का जादू जो है वो कहीं ना कहीं मोदी का जलवा दिखा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये है कि अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, जो मार्जिन है वो घट बढ़ रहे हैं, कांटे की टक्कर है, इसको हम नहीं नकार सकते और जो जनता चाहेगी वो बताएगी। लेकिन ये मोदी मैजिक है या इसमें बहुत सारे संचय हैं ये भी देखने की बात है, क्योंकि आप देखिए कि जब हम बात करते हैं बिहार की तो ये चुनाव था नेशनल पार्टीज के बीच नहीं था। आप ये बता दीजिए अगर आपकी पार्टी अगर जो रुझान है वो तब्दील हो जाते हैं परिणाम में और आपके पक्ष में अगर बातें आती है तो आप क्या मानते हैं, राहुल गांधी का मैजिक बोलेंगे या फिर तेजस्वी यादव का? देखिए मैं फिर कहूंगी कि ये मैंने कांग्रेस पार्टी बोला ना कि ये बीजेपी वर्सेस। और इसी के साथ में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे इस तमाम चर्चा के लिए।